Hello, my dear students. This is the last lecture on fringe benefits. Fringe benefits, मैं बता दूं, हमने शुरू किया था lecture number 19 से और आज का ये जो lecture है lecture number 23 will be finally completing the topic fringe benefits. Lecture 19, lecture number 20, 21, 22 ये सारे ही जो lectures थे इसमें हमने fringe benefits के बारे में ही बात की थी. जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट. एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो हमने हर वीडियो लेक्चर में दो दो फ्रिंज बेनिफिट्स को कवर करने की कोशिश की ताकि आप उसके वैल्यूएशन को अच्छे से सीख पाए. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू फ्रिंज बेनिफिट्स. ठीक है, जो लास्ट के दो जो बेनिफिट्स हैं हमारा वही रह गया है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी दो को कवर करेंगे. क्या क्या है वो? एक है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स एंड एनी अदर बेनिफिट और अमेनिटी. ठीक है, सो आई वुड एडवाइज दैट इफ यू वांट टू हैव अ कमांड ऑन दिस टॉपिक फ्रिंज बेनिफिट्स तो आप लेक्चर नंबर 19 से शुरू करिएगा. ठीक है, ओके. अब जैसा कि आपको पता है कि हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी. तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को बेसिक सैलरी के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस, बेनिफिट्स, परक्विजिट्स प्रोवाइड करता है. तो हमने इस चैप्टर में ये सीखना है कि जो टैक्सेबल सैलरी है वो कितना होगा. हमें ये नहीं सीखना है कि टैक्स कितना लगेगा, हमें यह सीखना है कि टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक बेनिफिट के वैल्यूएशन को सीख सके, हर एक बेनिफिट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है. कुछ पार्ट एज पर रूल्स एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब उसमें टैक्स नहीं लगता है. कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें जो टैक्सेबल पार्ट निकालने के रूल्स अलग से दिए हुए हैं. तो हर एक बेनिफिट के लिए हमने रूल्स अलग से सीखना है. तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फ्रिंज बेनिफिट्स की जहां तक बात है. हमने हॉलीडे से रिलेटेड भी जो फैसिलिटी है उसको कवर कर लिया है. फ्री मील्स, गिफ्ट्स, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, क्लब से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड मूवेबल एसेट्स के यूज के बारे में भी हमने पढ़ लिया है. तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट और अन्य जो बेनिफिट या अमेनिटी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है उसको कैसे वैल्यू करेंगे वो सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. नाउ सी, मूवेबल एसेट्स, आपको ध्यान रखना है कि मूवेबल एसेट से रिलेटेड देर आर टू फ्रिंज बेनिफिट्स. लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था दैट वॉज यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एसेट दिया है यूज करने के लिए. ठीक है, लेकिन अभी जो हम सीखेंगे उसमें बेसिकली बात ये हो रही है कि अगर एम्प्लॉयर ये जो मूवेबल एसेट है ये ट्रांसफर कर देता है एम्प्लॉई को ही. ठीक है, एम्प्लॉई को ही ट्रांसफर कर देता है या उसके हाउस होल्ड के किसी मेंबर को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में ये वैल्यू ऑफ द बेनिफिट हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे अभी. तो याद रखना है कि अगर एम्प्लॉयर ट्रांसफर कर दे रहा है एसेट एम्प्लॉई को या उसके हाउस होल्ड के किसी मेंबर को, तो ये एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट है. तो ये बेनिफिट का क्या वैल्यूएशन होगा इसको सीखने के लिए हमने एसेट जो ट्रांसफर कर रहा है एम्प्लॉयर उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. ये जो मूवेबल एसेट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ट्रांसफर ही कर दे रहा है, उस केस को समझने के लिए हमने एसेट को ही तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, अब सबसे पहले पहला कैटेगरी है ए, जिसमें है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स. ठीक है, तो मूवेबल एसेट्स के ट्रांसफर के पहले केस में हमने सीखना है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक एसेट को ट्रांसफर किया है तो बेनिफिट क्या निकलेगा. ठीक है, तो ध्यान देना है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एसेट है ये एम्प्लॉयर ने कभी खरीदा था, एम्प्लॉयर ने उसको यूज किया और कुछ समय बाद एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को वो एसेट ट्रांसफर कर दिया.
ठीक है। तो इस केस में वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगा जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट रहा हो। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज एम्प्लॉयर ने 2017 में एक एसेट लिया था और उसे 2019 में ट्रांसफर कर दिया अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर ने उसे दो कंप्लीट इयर्स यूज किया। तो एसेट एम्प्लॉयर ने 2017 में कितने का खरीदा था वो डेटा हम लोग सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालने के लिए हम लोग कौन सा डेटा लेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब जितने में एम्प्लॉयर ने एसेट को खरीदा था। तो एम्प्लॉयर ने एसेट को 2017 में सपोज करते हैं 1 लाख में खरीदा था। अब 2 साल एम्प्लॉयर ने उसे यूज भी किया है तो हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग क्या लेंगे, 50%। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि सब एसेट्स में 50% नहीं होगा, ओनली इफ इट इज द केस ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स जो है, अगर ये ट्रांसफर होगा तो जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट होगा उसमें से हम लेस करेंगे 50% डेप्रिसिएशन। अब जैसा कि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन के 2 पॉपुलर मेथड्स हैं, WDV और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स में हमने मेथड कौन सा लेना है, WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। तो एसेट का कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपए था, ठीक है। तो 50% अगर हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे तो पहले साल तो 50% मतलब 50,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो जो सेकेंड ईयर, क्योंकि उसने 2 साल यूज किया है, तो जो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन होगा 50% वो 1 लाख पे नहीं होगा, वो 50,000 पे होगा। तभी इसलिए इसे कहा गया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड आई एम श्योर कि WDV मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, तो इस पे बहुत डिटेल्स पे नहीं जाएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ट्रांसफर कर देता है तो जो भी कॉस्ट पड़ा था एसेट को लेने में एम्प्लॉयर को इनिशियली, तो जो भी कॉस्ट था वो उसमें से लेस करेंगे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में 50%। डेप्रिसिएशन का रेट क्या लेंगे, 50%, और मेथड कौन सा लेंगे आप, WDV। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हर बार 1 लाख पे डेप्रिसिएशन होता, लेकिन हमें मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है, WDV। अब कितने साल डेप्रिसिएशन देना है, तो इट इज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का मतलब है कि अगर सपोज करते हैं एसेट एम्प्लॉयर यूज करता है दो साल 4 महीने, तो कंप्लीटेड ईयर्स तो 2 ही है, 4 मंथ्स तो वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप 4 मंथ्स को इग्नोर कर देंगे। तो याद रखना कि ये डेप्रिसिएशन देना है दैट इज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग विच द एसेट इज पुट टू यूज बाय द एम्प्लॉयर, जितने साल एसेट एम्प्लॉयर ने यूज किया। तो मैंने बताया एम्प्लॉयर ने एसेट खरीदा था 2017 में, उसने 2019 तक एसेट को यूज किया, तो 2 साल यूज किया, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, अगर मोटर कार ट्रांसफर कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर मोटर कार ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में क्या हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ बेनिफिट, उसमें भी कॉस्ट ऑफ एसेट इसमें से लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, ताकि हम वैल्यू कर पाए कि भाई एसेट का क्या वैल्यू है उस समय। तो हम लोग इसमें याद रखेंगे कि डेप्रिसिएशन का रेट मोटर कार में कितना हो जाएगा, 20%। रूल सेम है, बस परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है। इन केस ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स जो डेप्रिसिएशन हमें देना है वो किस परसेंटेज से देना है, 50%। मेथड दोनों में सेम है, और मोटर कार में कितना परसेंट देना है, 20%, ठीक है। और मोटर कार और कंप्यूटर दोनों में ही मेथड कौन सा यूज होगा, WDV, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग विच द एसेट इज पुट टू यूज बाय द एम्प्लॉयर, जितना समय एम्प्लॉयर ने एसेट को यूज किया है हर कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन हम लोग को देते जाना है, उस वैल्यू से कॉस्ट ऑफ एसेट को घटाते जाएंगे ताकि वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकाला जा सके। अब है अदर मूवेबल एसेट। तो अदर मूवेबल एसेट का मतलब होगा कि कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोड़ के और मोटर कार को छोड़ के जो भी अदर मूवेबल एसेट्स हैं
उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्नीचर हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो अब फर्नीचर क्योंकि ना ही कंप्यूटर है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स कैटेगरी में जाएगा और ना ही मोटर कार में जाएगा, तो उसमें भी सेम चीज है, कॉस्ट ऑफ एसेट लेना पड़ेगा। और लेकिन याद रखना है कि अदर मूवेबल एसेट्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और घट के कितना हो गया है, 10%। तो यू नीड टू रिमेम्बर द रेट सबसे पहले कि कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा 50%, मोटर कार में 20% एंड अदर जो एसेट्स है उसमें 10%। और पहला जो दो केसेस है उस दोनों में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, WDV, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन इस केस में अदर मूवेबल एसेट्स में आपको SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा उस ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है जिसमें एसेट खरीदा गया था। इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो वह है वो हर साल क्या रहेगा, सेम। तो याद रखना है रेट्स क्या है और मेथड्स क्या है। तो आई जस्ट हेल्प यू रिवाइज, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में रेट कितना है 50% और मेथड कौन सा है, WDV। मोटर कार में कॉस्ट में से लेस करना है 20% डेप्रिसिएशन, मेथड क्या है, WDV। और अदर मूवेबल एसेट्स मतलब कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मोटर कार को छोड़ के अगर कोई एसेट ट्रांसफर करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एसेट में से हम लोग रिड्यूस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन मेथड कौन सा रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। और जैसा कि हमें पता है कि हर बेनिफिट में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर कर लेता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर कर लेता है तो वो हम डिडक्ट कर देंगे ताकि हमारा फाइनल जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट है वो निकाल सके हम। तो ये नोट में ध्यान रखना है कि एनी अमाउंट विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बेनिफिट इन ऑल द थ्री केसेस, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाएगा उसे हम घटा देंगे ताकि फाइनल वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो है वो निकाला जा सके, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं अगले स्लाइड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ट्रांसफर्ड सम ऑफ इट्स एसेट्स टू इट्स एम्प्लॉय। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है और हमारे लिए यहाँ एम्प्लॉय कौन है, राहुल। तो ये एक फ्रिंज बेनिफिट है जहां एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एसेट ट्रांसफर करता है। अब क्योंकि ये एक बेनिफिट है तो ये मिस्टर राहुल के हैंड्स में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेनिफिट क्या है, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एसेट ट्रांसफर करता है और उसके टैक्सेबल वैल्यू को अगर हमें निकालना है, उस बेनिफिट के टैक्सेबल वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले वील हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि एसेट में क्या ट्रांसफर किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंटेंशनली मैंने क्वेश्चन में वो तीनों ही कैटेगरी की एसेट्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है क्वेश्चन में ताकि आप रेट्स रिवाइज कर सको। सपोज लैपटॉप है अगर पहला एसेट जिसे ट्रांसफर किया गया है, तो लैपटॉप के केस में हमें पता है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 50%, ठीक है। इन केस ऑफ कार हमें पता है जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा एट द रेट ऑफ 20%। नाउ फर्नीचर जो है, ना ही वो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स के कैटेगरी में है, ना ही वो कार के कैटेगरी में है, तो इसे हम अदर मूवेबल एसेट्स के कैटेगरी का मान के इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। ये हो गया रेट्स की बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होगा। तो पहले दोनों केस में हमें पता है WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस मेथड के अकॉर्डिंग, और अदर मूवेबल एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, उस केस में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें यहां लिख लिए हमने। अब डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड होगा वो हमें पता है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने कंप्लीटेड ईयर्स के लिए एम्प्लॉयर ने एसेट को यूज किया है ट्रांसफर करने से पहले, उस हर कंप्लीटेड ईयर के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ये कंप्लीटेड ईयर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पहला ये डिटेल, डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ ट्रांसफर, ये दोनों को ध्यान रखना होगा। सपोज करते हैं अगर हमें लैपटॉप के केस में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करना है, तो हम देखते हैं डेट ऑफ परचेज क्या है। तो डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 February 2013, और इसे ट्रांसफर कब किया गया, 1/10/2017।
सो 2013 से 14 फर्स्ट ईयर, 14 से 15 सेकेंड ईयर, 15 से 16 थर्ड ईयर, 16 से 17 फोर्थ ईयर. ठीक है, अब 17 में कौन सा मंथ तक फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा? जैसे फर्स्ट फरवरी है तो फर्स्ट फरवरी 2017 में फोर इयर्स कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद भी कुछ मंथ्स रहेगा क्योंकि ट्रांसफर फरवरी में नहीं बल्कि कब किया गया है, अक्टूबर में. लेकिन हमें कंप्लीटेड ईयर लेना है तो लैपटॉप के केस में जो कंप्लीटेड ईयर होगा वो कितना होगा, 4. इसी टाइप से आप कार के लिए भी निकालेंगे, फर्नीचर के लिए भी निकालेंगे एंड फर्नीचर बी के लिए भी निकालेंगे. ठीक है, और वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस डेप्रिसिएशन लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय. तो एक हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, बाकी के आंसर्स यू विल ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. नाउ सपोज हमने कार के केस में निकालना है, तो कार के केस में कार कब खरीदा गया, 1 सितंबर 2015, और कार ट्रांसफर कब किया जा रहा है, 15 फरवरी 2018. तो 1/9/2015 को खरीदा गया, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या होगा, 1/9/2015 से 1/9/2016 पहला, 1/9/2016 से 1/9/2017 दूसरा, और तीसरा ईयर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि नाइन्थ मंथ से पहले ही सेकेंड मंथ को ही इसे ट्रांसफर कर दिया गया है. तो इसमें कंप्लीटेड ईयर क्या हो जाएगा, 2. 2 साल एम्प्लॉयर ने एसेट को यूज किया है ट्रांसफर करने से पहले. तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 1,50,000. तो इससे हम लोग को 20% माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन के नाम से, और वो 20% जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो 2 इयर्स के लिए चार्ज होगा, और मेथड कौन सा यूज होगा, WDV. इसका मतलब है पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेफिनेटली 1,50,000 पे लगेगा. उसके बाद जो डेप्रिसिएशन घटा के बैलेंस बचेगा उस पे फिर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकलेगा उसे भी रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट से. उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से हमें डिडक्ट करना होगा 50,000. 50,000 क्यों डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने एम्प्लॉई से रिकवर कर लिया है. ठीक है, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व एंड गेट द टैक्सेबल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स लाइक लैपटॉप, कार, फर्नीचर ए एंड फर्नीचर बी. एंड इन केस यू गेट स्टक एनीवेयर, आपसे नहीं बने कोई बात नहीं, यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू व्हाट्सएप फॉर योर डाउट्स, और आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. हमने अब सारे ही बेनिफिट्स को कवर कर लिया है, तो एक जो हेडिंग जो रह गया है वो है एनी अदर बेनिफिट और अम्यूनिटी. तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई अलग बेनिफिट, अम्यूनिटी, सर्विस या राइट या कोई प्रिविलेज प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉई को, तो उस केस में वैल्यू डिटरमाइन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट पे करना पड़ेगा या बेयर करना पड़ेगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द बेनिफिट, एंड दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ एनी. ठीक है, तो हमें यहां ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई अन्य बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो जो भी कॉस्ट पड़ता है एम्प्लॉयर को, इट शुड बी यू नो लिखा हुआ है, आप एक फ्रेज दे सकते हैं, अंडर एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, मतलब इंडिपेंडेंटली ये ट्रांजैक्शन कैरीड आउट होना चाहिए. अगर कोई लेन देन है तो वो निष्पक्ष होना चाहिए. ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है, एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी अ टैक्सेबल परक्विजिट. मतलब मोबाइल फोन या टेलीफोन पे अगर खर्च कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ में तो वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है. तो ये एक एक्सेप्शन है. जब भी क्वेश्चन में दिया जाए कि मोबाइल फोन या टेलीफोन के एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के पे किए हैं तो याद रखना है कि वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है. तो उसमें वैल्यू ऑफ द बेनिफिट हम क्या लेंगे, नील. ठीक है,